कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन मतलब एक रॉक है। जब आपका पेट उसको नहीं तोड़ पाता तो वो कैल्शियम अब जाएगा कहाँ? किडनी के स्टोन्स या यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन्स, वो ऐसी जगह सॉफ्ट टिश्यूज में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। हार्ट अटैक होते हैं, उनमें जो आर्टरीज हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की प्लैकिंग ही नहीं बल्कि कैल्शियम की प्लैकिंग ज़्यादा पाई जाती है। एक तो कोलेस्ट्रॉल के जमने से हार्ट अटैक्स होते हैं, लेकिन कैल्शियम के जमने से भी हार्ट अटैक होते हैं। सेहतनामा में आज बात कैल्शियम पर। कैल्शियम सप्लीमेंट हमारे लिए कितने ज़रूरी है और क्या कैल्शियम सप्लीमेंट के बगैर, कैल्शियम की गोलियों के बगैर खाने के ज़रिए, डाइट के ज़रिए हम अपना कैल्शियम जितना चाहिए बॉडी को वो पूरा कर सकते हैं, हमें बताएंगी सारिका। सारिका, कैल्शियम को लेकर बहुत अलग अलग तरह की राय है हमारे समाज में। एक सर्टन एज के बाद आप 45-50 के डॉक्टर्स लिख देते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स, प्रेगनेंसी में आपको लिखी जाती है कैल्शियम सप्लीमेंट्स। ज़्यादातर लोगों में कैल्शियम की कमी है, तो अब ये बताइए कि सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है या डाइट के ज़रिए हम कैल्शियम जितना चाहिए वो मिल सकता है? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, अगर सबने बेसिक केमिस्ट्री तो पढ़ी ही होती है, ठीक है, और सबको पता है कि पीएच क्या होता है, ठीक है। हमारे पेट का एक पीएच होता है, जो हमारा जो पेट है वो एसिडिक होना चाहिए। अगर हमारा पेट का पीएच 1-3 के बीच में होगा तो वो कुछ भी पचाने में सक्षम है, वो एक ब्लेड तक गला देता है, ऐसा पीएच होता है हमारे स्टमक का। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, विद एवरी डेकेड, हर 10 साल में हमारा जो पेट का पीएच लेवल है वो एल्कलाइन होने लगता है। एल्कलाइन से मेरा मतलब है उसका पीएच बढ़ना शुरू हो जाता है। 7 न्यूट्रल पीएच होता है, उससे कम एसिडिक होता है, और फिर वो बढ़ना शुरू जब होता है तब पेशेंट का जो डाइजेशन का कैपेसिटी है उसका वो वीक होने लगता है। आपने देखा होगा जितने भी बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो खाना उस तरह से नहीं पचा पाते जैसे वो एक यंग एज में पचाते थे। बच्चे सब कुछ कैसे पचा लेते हैं? क्योंकि उनका बिल्कुल आइडियल स्टमक का एसिड होता है। अब जहाँ कैल्शियम की बात हो रही है, कैल्शियम जो टूटता है वो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होता है, ठीक है, और इस एल्कलाइन मिनरल को पचाने के लिए हमारे स्टमक में, हमारा स्टमक का बहुत एसिडिक होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एसिडिक से मेरा मतलब ये नहीं है कि एसिडिटी। बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि एसिडिटी हो रही है मतलब कि मेरे पेट में बहुत एसिड बन रहा है, दरअसल होता ठीक उल्टा है। अगर किसी भी पेशेंट को ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो वो क्या करता है, एंटासिड्स ले लेता है और जो थोड़ा बहुत एसिड है उसको भी ख़त्म कर देता है। तो ये एक चक्रव्यूह है। एसिडिटी होने का मतलब है आपका पेट में एसिड नहीं बन रहा है, आपके वो एंजाइम्स नहीं बन रहे हैं जो आपके खाने को तोड़ के पचा सके, तो आपका खाना जो है वो पड़ा है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको डकार आ रही है, ठीक है, और आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। अब कॉर्टिसोल हार्मोन जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो भी हमारे पेट को एल्कलाइन बनाता है, मतलब हमारा स्टमक जो एसिडिक होना चाहिए उसको खराब कर रहा है ना। तो होता क्या है कि जब भी डॉक्टर्स कैल्शियम सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो जो बड़ा ही कॉमन एक केमिकल है कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाले सारे सप्लीमेंट्स जो है मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन मतलब एक रॉक है। इट इज लाइक कि आप जाके रॉक खा रहे हैं, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा। अब होता क्या है, जब आपका पेट उसको नहीं तोड़ पाता तो वो कैल्शियम अब जाएगा कहाँ? अब जितने भी कैटरेक्ट के मरीज हैं जिनको मोतिया उतर जाता है, या फिर हील स्पर्स, कईयों की देखी होगी आपने, हड्डी बढ़ी हुई होती है ना, या फिर किडनी के स्टोन्स या यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन्स, ये सब तब होते हैं, या नर्व स्ट्रिचिंग होती है, जैसे वो फड़कती है ना नर्व्स, तो वो कैल्शियम जो नहीं मोबिलाइज, जो बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, वो ऐसी जगह सॉफ्ट टिश्यूज में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है।
आप मानेंगे कि अभी बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, उसमें पता चला है कि जितने हार्ट अटैक होते हैं उनमें जो आर्टरीज हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की प्लैकिंग ही नहीं बल्कि कैल्शियम की प्लैकिंग ज़्यादा पाई जाती है। प्लैकिंग से मेरा मतलब है आर्टरीज में जम जाना। एक तो कोलेस्ट्रॉल के जमने से हार्ट अटैक्स होते हैं, लेकिन कैल्शियम के जमने से भी हार्ट अटैक होते हैं, और ये हार्ट अटैक का बहुत बड़ा एक लीडिंग कॉज है। यानी कि जब आप कैल्शियम खा रहे हैं तो आपके पेट में ऐसे एसिड, अच्छे एसिड बनने जरूरी है जो कैल्शियम को पचा सके। तो बिल्कुल अब क्या किया जाए? डॉक्टर्स तो लिख देते हैं आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, आपकी हड्डियां कमजोर हैं। जी। अब विटामिन डी की प्रेजेंस होना भी बहुत जरूरी है। अगर विटामिन डी ही नहीं है आपकी बॉडी में तो कैल्शियम तो वैसे ही एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। अब कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, विटामिन K2 चाहिए। तो जब तक इन सब का सामंजस्य नहीं होगा हमारे शरीर के अंदर, तब तक आपका कैल्शियम जो है वो जाके गलत जगह पे जाकर डिपॉजिट होगा, आपकी हड्डियों में जाके नहीं लगेगा। और होता क्या है, हमारी हड्डियाँ सिर्फ कैल्शियम की नहीं बनी है, ठीक है। हमारी हड्डियाँ प्रोटीन मैट्रिक्स कोलाजन की बनी है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो हमारे को सिर्फ ये सोचना कि सिर्फ एक कैल्शियम खा लेने से हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, ये बहुत ही गलत एक साइंस है। अब सारिका ये बताइए कि कब आप डाइट के जरिए अपने कैल्शियम इंटेक पूरा करें और कब आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है? जब आप कैल्शियम खाते हैं, कैल्शियम की मान लीजिए आपने टैबलेट ले ली, अब आपको मैग्नीशियम चाहिए उसको काम करने के लिए, ताकि वो कैल्शियम आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो। विटामिन डी का काम है कि कैल्शियम आपके लिवर से उठा के आपके ब्लड में पहुंचाना। अब जब तक आपका गट हेल्दी नहीं है, आपका लिवर हेल्दी नहीं है, तब तक ये सब चीज़ें आप जो जितने भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या तो वो गलत जगह पे जाके लगते हैं, या फिर अगर वो फैट सोल्युबल नहीं है तो आप एक महंगा यूरिन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारी नेचर ने सब कुछ पैक करके भेजा है। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे मान लीजिए आपको कैल्शियम चाहिए, अब हरी सब्जियाँ जो पत्ते वाली सब्जियाँ हैं, जैसे आपकी पालक है, आपका करम साग है जिसको केल कहते हैं, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है, इसमें विटामिन K2 भी है। तो ये जब तीनों का सामंजस्य आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो आप उसको पचा पाते। कई बार कैल्शियम की सप्लीमेंट्स के साथ विटामिन डी भी देते हैं। अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, ठीक है, अच्छी डाइट से मेरा मतलब है कि अगर आपकी डाइट में भरपूर मात्रा में सीजन के फल हैं, सीजन की पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप स्ट्रेस से मुक्त हैं, तो आपको किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है। वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं औरतों के लिए। चाहे आप सिंपल एक चल रहे हैं हर रोज, अगर आप 40 मिनट की सिर्फ वॉक ही कर रहे हैं, तो यू विल बी अमेज्ड टू सी कि आपकी पूरी बॉडी पे बहुत अच्छा उसका असर पड़ता है। तो आप अपने कैल्शियम के लिए आप तिल की एक बहुत अच्छी एक पेस्ट बनती है, तिल के बीजों की, जिसको हम ताहिनी कहते हैं। 1 चम्मच में मान लीजिए 90 मिलीग्राम आ रही है, तो उससे आपको 260 मिलीग्राम कैल्शियम बहुत आराम से मिल जाता है। इसको बनाना कैसे है, बहुत आसान है। जैसे आप नट बटर्स बनाती हैं घर पे, तो आपको क्या करना है, ये जो तिल होते हैं इनको चाहे आप भिगो दीजिए और उसके बाद इसको स्ट्रेन कर दीजिए, ड्रेन कर दीजिए एक्स्ट्रा वाटर। अब तिल को आप मिक्सर ग्राइंडर में डालिए, आप इसमें थोड़ा अदरक, थोड़ा लहसुन, हरी मिर्ची, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर, आपके टेस्ट के हिसाब से जो आपको स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स पसंद हैं डालिए इसके अंदर, और जस्ट इसको हाई स्पीड ब्लेंडर पे चलाइए। तो इसका ना एक बहुत अच्छा पेस्ट बन जाता है जिसको हम तहिनी कहते हैं, और ये तहिनी यू कैन यूज इट ऑन योर स्प्रेड्स, ऑन योर चपातीज, आप उसको मतलब बहुत सारी चीज़ों में, सूप्स में डाल के ले सकते हैं। अगर आपको ये जान के भी हैरानी होगी, जैसे लोग सोचते हैं कि दूध नहीं पिया तो कैल्शियम तो मिल ही नहीं सकता, सबसे पहली चीज कैल्शियम रॉ डेयरी में होता है, और जितना दूध मार्केट में मिलता है वो पैस्चराइज्ड है। पैस्चराइज से मेरा मतलब एक बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको पकाया जाता है बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, और फिर अचानक से उसे
ठंडा किया जाता है तो उसको पैश्चराइज डेयरी बोलते हैं। ठीक है, तो पैश्चराइज मिल्क में तो वैसे ही आपको कैल्शियम नहीं मिलता है। कैल्शियम के लिए फर्मेंटेड डेयरी अच्छी चीज़ है, जैसे आप दही ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स है। आप कैफीर ले सकते हैं, कैफीर भी जो होता है डेयरी प्रोडक्ट होता है, ये भी एक प्रोबायोटिक ड्रिंक होता है। कैफीर के छोटे छोटे दाने आपको मिल जाते हैं, ये कल्चर होता है, जैसे आपका कर्ड का कल्चर होता है, उससे आप बार बार दही जमा सकती हैं, ऐसे कैफीर का कल्चर मिलता है छोटे छोटे दानों के रूप में, जिसे हम कैफीर ग्रेन्स कहते हैं। इससे बार बार आप कैफीर ड्रिंक बना सकती हैं। ठीक है, आप सोए मतलब कि जैसे टोफू ले सकती हैं, सोयाबीन, इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, जो लोग पनीर खा रहे हैं, चीज़ खा रहे हैं, वो उनको भी मिलता है कैल्शियम। और जितनी भी आपकी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, इसमें बहुत भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। आपकी हरी गोभी, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम है। आपकी एक सर्विंग से ही आपको ब्रोकली आपके 200 ग्राम तक, आपको 200 मिलीग्राम तक आपको कैल्शियम आराम से मिल जाता है। आपकी सूखी अंजीर बहुत अच्छी है कैल्शियम के लिए। ठीक है, अभी अगर मैं ग्रेन्स की बात करूं तो रागी बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और रागी से आप तरह तरह के डिशेस बना सकते हैं। गर्मी में भी खा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं तिल गर्म होते हैं, तो नुकसान तो नहीं करते गर्मी में अगर खाते हैं तो। देखिए, जब भी हम तीन तत्वों के बने हैं, ठीक है, हमको हर चीज का बैलेंस चाहिए। हमें हर तत्व चाहिए, हमें पित्त भी चाहिए, हमें वात भी चाहिए, हमें कफा भी चाहिए। तो जब हम पूरा दिन अपनी दिनचर्या लीड करते हैं, तो हम ये नहीं सोच सकते कि ये गर्म है तो मैं खाऊंगा ही नहीं। पूरे दिनचर्या में आप ठंडी तासीर की चीजें भी खा रहे हैं, गर्म तासीर की भी खा रहे हैं, और कोई भी चीज जब आप भिगो देते हैं तो आप उसकी वो चीज को कम कर देते हैं, यू नो, उसकी प्रवृत्ति को। हर बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो कुछ चीजें हर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अच्छी बैठती हैं। तो अब किन हालात में सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है, जब आपको फिर भी डॉक्टर्स तो कहते हैं ना जी, सप्लीमेंट्स की जरूरत आपको तब पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रेग्नेंट महिला है और उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, उसको नौशिया, उसका जी मिचलाता है, वो कुछ खा ही नहीं पा रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो उसके अंदर बन रहा फीटस, तो उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, यू नो, माइक्रो मिनरल्स, विटामिन, ये सब उसको चाहिए। तो उस एमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि हम सप्लीमेंट्स को कंसिडर करें। ऐसी एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ही सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, ताकि किसी को सफ़र नहीं करना पड़े। और एक बार, कई बार कहते हैं मेनोपॉज के बाद या मेनोपॉज के दौरान भी 45-50 के बीच में आप तो डॉक्टर्स अक्सर लिख देते हैं कैल्शियम। बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो आप देखिए कि आप अच्छा फील कर रहे हैं उसको लेने के बाद। अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो ये बात साफ है कि आपकी बॉडी नहीं उसको एब्जॉर्ब कर पा रही है, और ज़्यादा आपको रिलाई करना चाहिए अपनी डाइट पे, अपनी लाइफस्टाइल पे, एक्सरसाइज। शायद होता ये है कि एक गोली खानी बड़ी आसान लगती है ना, वो खा ली, और डेली रूटीन में इस डाइट को लेके आना वो बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, और कैल्शियम के, यू नो, जब भी आप कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, तो आपको ये देखना भी जरूरी है कि आप आयरन के साथ तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आयरन सप्लीमेंट्स तो वैसे ही बहुत साइड इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, आपके कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर देते हैं, वैसे ही कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी सबको सूट नहीं करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एसिडिटी ऑफ योर स्टमक, कि पेट कैसा है आपका, और अगर आपका पेट अच्छा है, तो अगर आप थोड़ा भोजन भी करेंगी, तो आपकी बॉडी उसी को, उसी में से सब कुछ एसिमिलेट अच्छे से कर लेगी।